చాలా కాలం తర్వాత టీడీపీకి కేంద్ర మంత్రి పదవి వస్తుందన్నారు ఆ పార్టీ ఎంపీ కించారపు రామ్మోహన్ నాయుడు బీజేపీ టీడీపీ మధ్య సంబంధాలు బలంగా ఉన్నాయన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటివరకు తాము ఎలాంటివి డిమాండ్ చేయలేదన్నారు రిజర్వేషన్లపై టీడీపీ స్టాండ్ లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదన్నారు మోడీ క్యాబినెట్ లో మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు రామ్మోహన్ నాయుడు डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना तेलुगु लोग जहां पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं, तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्र में हुई है और देश में भी हुई है, तो नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी वैसे कोई डिमांड नहीं, हमारे रिलेशन इतना अच्छा मजबूत है अभी कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपस में इतनी अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद ही हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से चलेगा। बहुत खुश है क्योंकि ये बहुत दिन बाद हमें टीडीपी में केंद्र मंत्री फिर से बनने का एक मौका मिला है, और उसके आगे केंद्र जिस तरह से सपोर्ट करना चाहती है आंध्र प्रदेश को, उसमें भी कोई बिना कोई रुकावट के साथ पूरी तरह से उनका मदद हमें मिल रहा है, तो बहुत खुश है। यस, जरूर है कि आज ही नहीं, पहले भी आप देखिए केंद्र सरकार में कभी पहले भी गठबंधन जब हुए थे उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था, आज भी होने वाला है, और वो केंद्र हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे, उस पर कोई चेंज नहीं होगा हमारे हम